केंद्र सरकार द्वारा एक नेशन एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना तैयारी के आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई है। मारा ने कहा कि वैसे ये नया नहीं पुराना ही आइडिया है। ऐसा लगता है कि भाजपा इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है। मारा ने कहा कि सारी संसदीय मान्यताओं को ये सरकार तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए थी। करण मेहरा के इस बयान का पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष को होमवर्क करने की जरूरत है। सन 1951-57 में भी एक साथ चुनाव होते थे। देखिए कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो गठबंधन कई घंटे बैठ के अपना लोगो फाइनल नहीं करवा पाया हो। ऐसे पार्टी और ऐसे ठगबंधन के लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस का आदत हो गई है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मेरी सलाह है कि पढ़े लिखें, उसके बाद बयान जारी किया करें। उनको याद होना चाहिए कि 1957 में 62 में 67 तक एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते थे। तब किसकी सरकारें इस देश में रही हैं, आज़ादी के बाद किस पार्टी की सरकार इस देश के अंदर रही है। मतलब अपने समय पर करें तो ठीक, दूसरा अगर प्रयास करें तो उस पर प्रश्न चिन्ह। इस कमेटी का काम है कि वो सारे जो विपक्षी दल हैं, सारे राजनीतिक दल हैं, उनके साथ बैठ करके सलाह मशवरा करेंगे, सारी जनता से पूछ करके सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद ये कानून बनने की कवायद प्रारंभ होगी। अब कांग्रेस के लोग कुछ जानते तो है नहीं, आधा घड़ा हमेशा छलकता है, इसलिए ये छलकने वाला काम न करें। कारण मेहरा जी को मेरा ये राय है कि पहले पढ़े लिखे, उसके बाद बयान जारी करें। वही कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा जल्दी में ही रहती है, चाहे वो जीएसटी हो या नोटबंदी, सरकार ने हर समय जल्दबाजी ही दिखाई है। देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि होमवर्क तो भाजपा ही नहीं करते, इसलिए क्योंकि जीएसटी भी आनन फानन में लागू हुआ। और अब आप गूगल कर लीजिए ज़रा कि कितने संशोधन केंद्र सरकार को जीएसटी में करने पड़ गए। न लागू करने वालों के समझ में आया कि जीएसटी क्या है, न जिन पर लागू हुआ उनको समझ में आया कि जीएसटी रिटर्न भरना कैसे है। तो ऐसे में आज इतने साल बीत जाने के बाद भी देश खामियाजा भुगत रहा है जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों का, चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे वो 3 कृषि कानून हो, ये सब जबरन हम पर थोप दिए गए। अब एक देश एक चुनाव इसलिए इसकी हवा बनाई जा रही है क्योंकि अडानी और मोदी के संबंध और उनके द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा विपक्ष ने किया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक नया तीर छोड़ा जा रहा है। ऐसे में भाजपा को होमवर्क करने की ज़रूरत थी कि पहले अगर इस तरह सा होता था, एक देश एक चुनाव होते थे, तो देश की जनसंख्या क्या थी, आज देश की जनसंख्या क्या है, कितने ईवीएम और कितने वीवीपैट लगेंगे, कितनी तैयारियों की ज़रूरत होगी, कितने राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना पड़ेगा समय से पहले, और ये आप राज्यों की संस्तुति के बगैर नहीं कर सकते। एक व्यापक चर्चा इसमें दोनों संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वहाँ होनी ज़रूरी है। उसके बाद राज्यों को अपनी विचार विमर्श करना है, उसके बाद अपनी सहमति या असहमति जाहिर करनी है इस पूरे मुद्दे पर। तो एक ये लंबा प्रोसेस है जिसको आप ये सोचें कि रातों रात आप जो है सेंट्रल हॉल में खड़े होकर आप लॉकडाउन की तरह या नोटबंदी की तरह खड़े होकर घोषणा कर देंगे और इतिहास पुरुष बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देश की आबादी आज 140 करोड़ हो चुकी है, तो ऐसे में कोई भी निर्णय फूक कर ही लेना पड़ेगा और ये संघीय ढांचे को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली बात है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।